हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलमी वॉच 2 को कंपेयर करने वाला हूँ बोट एक्सटेंड वॉच के साथ। सो गाइज, इन दोनों वॉच को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, 3,499 रुपीज़ इसका जो प्राइस है। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं एंड कौन सा आपको वॉच जो है वो परचेज़ करना चाहिए। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, बात करते हैं सबसे पहले Realme Watch 2 से। तो इसमें आपको 2.5D का कर्व ग्लास मिलता है और बोट वॉच एक्सटेंड में भी आपको 2.5D का कर्व ग्लास मिलता है। डिस्प्ले में आपको Realme Watch 2 में 1.4 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है और बोट वॉच एक्सटेंड में 1.69 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है। Realme Watch 2 में आपको जो है ऑटो ब्राइटनेस नहीं मिलता है, बट बोट वॉच एक्सटेंड में ऑटो ब्राइटनेस मिलता है। Realme Watch 2 में 100 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं और बोट वॉच एक्सटेंड में 50 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं। Realme Watch 2 को आप जो है वो Realme Link ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और बोट वॉच एक्सटेंड को वेव ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। Realme Watch 2 में बिल्ट इन Alexa का सपोर्ट नहीं दिया गया है और बोट वॉच एक्सटेंड में बिल्ट इन Alexa का सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही में आपको गाइडेड ब्रीदिंग मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर्स मिल जाते हैं और Realme Watch 2 में 90 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और बोट वॉच एक्सटेंड में 14 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। Realme Watch 2 में IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है और बोट वॉच एक्सटेंड में 5 ATM 50 मीटर डीप तक जो है आप इसको ले जा सकते हैं। दोनों ही में आपको नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, इनेबल DND, फाइंड माई फोन वगैरह के सारे फीचर्स जो है आपको मिल जाते हैं। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। Realme Watch 2 में 315 mAh का बैटरी मिलता है और बोट वॉच एक्सटेंड में 300 mAh का बैटरी मिलता है। Realme Watch 2 में आपको 12 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है और बोट वॉच एक्सटेंड में 10 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है। दोनों ही में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और Realme Watch 2 में आपको स्मार्ट AIoT कंट्रोल मिल जाता है। Realme Watch 2 में एक कलर ऑप्शन मिलता है और बोट वॉच एक्सटेंड में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं और दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, 3,499 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे अगर इन दोनों वॉच को कंपेयर किया जाए तो आपको जो है वो Realme Watch 2 के बजाय जो है वो बोट वॉच एक्सटेंड को परचेस करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको बिल्ट इन Alexa का सपोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले का साइज आपको बड़ा मिलता है, ऑटो ब्राइटनेस मिल जाता है, तो ये सब चीज़ जो है आपको प्रो फीचर मिल जाते हैं बोट वॉच एक्सटेंड में। सो गाइज, अगर आपको एक वॉच परचेस करना है तो आप जो है वो बोट वॉच एक्सटेंड के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।